हेलो बच्चों, स्वागत है आपका दंगल 5 के फिजिक्स के सॉल्यूशन के लिए। शुरू करते हैं सॉल्यूशन को, उससे पहले एक लाइन कि मंजिल मुश्किल तो क्या, उजड़ा साहिल तो क्या, रात ये ढल जाएगी सुबह फिर आएगी। तो बच्चा आपको मेहनत करना है और कुछ दिन बचे हुए नीट आपके 2022 में, और पूरा दम लगा के आपको मेहनत करना है और पूरी जी जान इस आखिरी दिनों में आपको जो है बच्चा लगा देनी है। शुरू करते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 जो बोल रहा है कि द वेवलेंथ लैम्बडा एसोसिएटेड विद अ मूविंग इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन इट्स मास m, इट्स वेलोसिटी v एंड प्लैंक कांस्टेंट h, देन द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लैम्बडा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो अपने को पता है बच्चा लैम्बडा इक्वल टू जो अपना होता है, लैम्बडा इक्वल टू क्या होता है बोलो बच्चा, लैम्बडा इक्वल टू होता है h अपॉन p, h अपॉन p, और यहां पर जो p होता है वो p अपना होता है मोमेंटम। तो p इक्वल टू अपन जो लिखते हैं वो लिखते हैं p इक्वल टू अपन लिखते हैं m इंटू, p इक्वल टू अपन लिखते हैं m इंटू v। तो यहां पर जो अपना लैम्बडा का जो फॉर्मूला आ जाएगा वो h अपॉन क्या आ जाएगा, mv। अगर लैम्बडा का फॉर्मूला ये है, इसका मतलब क्या है बच्चा, इसका मतलब ये है कि दोनों का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा। तो ऑप्शन जो है अपना सेकंड करेक्ट हो गया, और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक यहां पर द बुलियन इक्वेशन फॉर द सर्किट गिवन इन द फिगर। एक जो है अपने को परिपथ दे रखा है बुलियन एक्सप्रेशन के साथ, और सॉरी एक सर मतलब गेट के साथ, और अपने को जो है पता करना है कि इसका जो सही जो है आंसर जो है वो क्या होगा, सही आउटपुट जो है यहाँ पर वाई पर जो सही आउटपुट आ रहा है, इस आउटपुट के बारे में जो है अपने को जो है बताना है। ये वाला जो गेट है बच्चा, ये वाला गेट अपना कौन सा गेट है, नॉट गेट। ये वाला गेट नॉट गेट है, और नॉट गेट का जो काम है वो एक सिंपल सा काम है कि अगर यहां से मैं ए सिग्नल भेजता हूं तो यहां पर जो मुझे सिग्नल मिलेगा वो मुझे मिल जाएगा, यहां पर जो सिग्नल मिलेगा वो मिल जाएगा ए बार, और यहां पर अगर मैं बी और सी सिग्नल को भेजता हूं तो ये जो गेट है अपना, ये वाला गेट अपना जो है और गेट है, और गेट अपना क्या करता है, और गेट एडिशन के साइन को शो करता है। तो यहां पर जो आएगा वो अपना आ जाएगा बी प्लस सी आ जाएगा, और अब क्या होगा, अब ये वाला जो गेट है अपना, ये वाला जो अपना गेट है, ये वाला अपना गेट जो है, ये वाला अपना गेट है एंड गेट, और एंड गेट जो अपना होता है वो एंड गेट जो है मल्टीप्लीकेशन का जो साइन है उस साइन को शो करता है। तो क्या होगा, अब एक तो इस एंड गेट के लिए ये वाला जो है ये वाला इनपुट होगा, और एक जो है ये वाला इनपुट होगा, और इन दोनों के बीच में जो है डॉट लग जाएगा। क्या लग जाएगा, डॉट, क्योंकि एंड गेट जो है डॉट लगाता है। तो अपन जो है एक इनपुट जो एंड गेट के लिए जो है वो अपना हो जाएगा ए बार डॉट बी प्लस सी। तो ये जो है अपने को जो है ये अपने को मिल गया आउटपुट, किसके लिए, ये अपने को वाई मिल गया। वाई क्या मिला, ए बार डॉट बी प्लस सी, ऑप्शन 4th अपना करेक्ट हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए, मूव्स अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ विथ एन एक्सेलरेशन गिवन बाई ए इक्वल टू पी माइनस क्यू एक्स, वेयर पी कॉमा क्यू आर कॉन्स्टेंट एंड एक्स इज डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए, द वेलोसिटी द पार्टिकल स्टॉप्स एट पॉइंट बी, द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। एक कण है जो गति कर रहा है एक सरल रेखा के अंदर, एक पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन के अंदर चल रहा है, और वो जो पार्टिकल अपना जो ये है, ये पार्टिकल किसी पॉइंट ए से अपना जो है, पॉइंट ए से जो है अपनी जर्नी को जो है स्टार्ट कर रहा है, और ये किसी पॉइंट बी पे जो है जर्नी को क्या कर रहा है, एंड कर रहा है। पॉइंट बी पे ये जो है कि जर्नी को क्या कर रहा है, एंड कर रहा है। अब अपने को जो पता करना है वो पता करना है कि मैक्सिमम वेलोसिटी कब गेन करेगा। तो बीच में एक कोई पॉइंट होगा जहां पर इसकी जो वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। अब इस मोशन में क्या होगा, पहले तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, एक पॉइंट आएगा जहां पर पार्टिकल मैक्सिमम हो जाएगा, और उस पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन हो जाएगा पार्टिकल का वो जीरो हो जाएगा।
यहां पर, क्योंकि यहां पर इस रीजन में एक्सीलरेशन जो है वो पॉजिटिव रहेगा और इस रीजन में जो एक्सीलरेशन है वो अपना नेगेटिव रहेगा। तो इस पॉइंट पे एक्सीलरेशन जो है वो जीरो हो गया। तो अपन ने क्या लिखा यहाँ पर, अपन ने सिंपल सा लिख दिया ए इक्वल टू जीरो पी माइनस अपना आ गया क्यू एक्स। तो यहाँ से जो एक्स लोकेशन आया वो अपने को मिल गया पी बाई क्यू, ये अपने को जो है वो एक्स की जो है एक्स जो है मिल गया। अब अपने को क्या करना है, सिंपल सा एक काम करना है, अपने को चाहिए वेलोसिटी। तो एक्सेलेरेशन गिवन है, एक्सेलेरेशन ए जो है उसको अपन क्या लिख सकते हैं, वी डीवी बाई क्या लिख सकते हैं, डीएक्स। क्योंकि यहां पर जो एक्सेलेरेशन की जो इक्वेशन है वहां पर टाइम गिवन नहीं है, तो अपन सिंपल सा वी डीवी बाई डीएक्स के फॉर्मेट में लिख देंगे। तो यहां से वी डीवी बाई डीएक्स इज इक्वल टू अपना जो हुआ वो हो गया पी माइनस क्यू एक्स, और यहां से वी डीवी इज इक्वल टू पी माइनस क्यू एक्स, और ये इसका हो गया डीएक्स। अब इसको क्या करेंगे, अपन कर देंगे समाकलन। v इक्वल टू जीरो से इनिशियल मान लेते हैं और किसी वेलोसिटी, अपने को क्या चाहिए मैक्सिमम वेलोसिटी, तो यहां पर अपन लिख देंगे vf। अब कहां से अपन जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं, अपन जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं x इक्वल टू जीरो से, और किस पॉइंट पे जो है अपना पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम हुआ है। तो पार्टिकल का जो वेलोसिटी मैक्सिमम हुआ है वो एक्स इक्वल टू पी बाई क्यू पे जो है, एक्स इक्वल टू पी बाई क्यू पे पार्टिकल का वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम हुआ है। इसको अपन समाकलन करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा वी डी वी का हो जाएगा वी स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू अपना हो जाएगा पी एक्स माइनस क्यू एक्स स्क्वायर बाई टू, और लिमिट जो है अपना वो हो जाएगा एक्स इक्वल टू जीरो से एक्स इक्वल टू पी बाई क्यू। तो यहाँ पर जब अपन लिमिट पुट करेंगे वी स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू पी इंटू ये पी स्क्वायर बाई क्यू हो जाएगा, और माइनस अगर मैं एक्स की जगह पी बाई क्यू फिर से रखूँगा तो ये भी अपना क्या हो जाएगा पी स्क्वायर बाई, लिमिट पुट करने पर टू क्यू हो जाएगा। तो यहाँ से वी स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू अपना पी स्क्वायर बाई टू क्यू आ जाएगा, और यहाँ से टू से टू कैंसिल हो जाएगा, और जो वेलोसिटी जो अपने को मिलेगी वो मिल जाएगी पी बाई रूट क्यू। ये अपने को जो है पार्टिकल की जो है मैक्सिमम वेलोसिटी जो है मिल गई। ऑप्शन अपना कौन सा, सेकेंड करेक्ट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन अपना जो बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है कि पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन को, कि अ ब्लॉक ऑफ मास m इक्वल टू 2 kg इज रेस्टिंग ऑन अ रफ इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लाइनेशन 30 डिग्री एज शोन इन फिगर। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लेन इज म्यू इक्वल टू 0.5। व्हाट मिनिमम फोर्स f शुड बी अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑन द ब्लॉक सो दैट ब्लॉक डज नॉट स्लिप ऑन द प्लेन। अपन ये चाहते हैं कि ये ब्लॉक जो है इस प्लेन पे मूव ना करे। यहां पर क्या है, फ्रिक्शन लग रहा है, यहाँ पर अपना फ्रिक्शन लग रहा है बच्चा। तो देखो अपने को एक चीज पता है कि इधर जो है इधर क्या लगेगा, अगर इधर mg sin थीटा लग रहा है, सॉरी mg cos थीटा लग रहा है, इधर जो लगेगा वो mg cos थीटा लगेगा, और इधर जो अपना फोर्स लग रहा है वो फोर्स अपना क्या लग जाएगा mg sin थीटा लग जाएगा, और जो नॉर्मल है वो नॉर्मल क्या लगेगा, ये नॉर्मल बाहर इस डायरेक्शन में जो है नॉर्मल लग जाएगा, क्योंकि नॉर्मल ही है वो एफ और एम जी कॉस थीटा दोनों को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा, और फ्रिक्शन जो है फ्रिक्शन अपना बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, और फ्रिक्शन इक्वल टू अपन सिंपल सा लिखते हैं म्यू इंटू एन, सिंपल सा लिखते हैं अपन फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू इंटू एन लिखते हैं। तो फ्रिक्शन एन की जो अगर मैं वैल्यू की बात करूँ तो एन इक्वल टू जो आएगा मेरा एफ प्लस एम जी कॉस थीटा, ये मुझे एन की जो वैल्यू है वो प्राप्त मिल गई हो गई। तो यहाँ से फ्रिक्शन की अगर मैं बात करूँ तो वो मेरा आ जाएगा म्यू इंटू एफ प्लस एम जी कॉस थीटा। अब ये जो एम जी कॉस थीटा, ये जो फ्रिक्शन है वो किसको बैलेंस कर रहा है, क्योंकि ये सो दैट ब्लॉक डज नॉट स्लिप, अगर ब्लॉक स्लिप ना हो है ना, तो इसके लिए क्या होना एम जी साइन थीटा जो है वो फ्रिक्शन के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि एम जी साइन थीटा इस डायरेक्शन में लग रहा है और फ्रिक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है। तो इसको अपन देखते हैं यहाँ पर इस इक्वेशन को, तो एम जी साइन थीटा
इज इक्वल टू म्यू एफ प्लस एम जी कॉस थीटा। तो यहां से अपने को एफ की वैल्यू चाहिए, है ना, मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो इस कंडीशन में एफ की क्या है, मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। तो यहां से जो अपने को एफ मिलेगा वो एफ मिल जाएगा एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय म्यू माइनस एम जी कॉस थीटा। यहाँ पर सारी चीज़ें, सारे आंसर चीज़ें अपन पुट करते हैं क्योंकि सब कुछ गिवन है। एम एम जो गिवन है वो 2 केजी गिवन है, जी को अपन 10 ले रहे हैं तो ये 20 हो गया, साइन 30 जो है वो 1/2 हो गया, और म्यू की वैल्यू जो है वो 0. कितनी हो गई, 5। माइनस अपन करेंगे एम जी कॉस थीटा, तो ये 20 इंटू रूट 3 बाई अपना हो गया 2। तो यहाँ से अगर मैं एफ की बात करूँ तो ये हो जाएगा 20 माइनस यहाँ से अपने को 10√3, और √3 की वैल्यू 1.73 जो है अपन लेंगे, तो यहाँ से एफ जो आएगा तो लगभग यहाँ से 17. होगा, तो वो 20 में से माइनस करूँगा तो ये एफ जो है वो मेरा मेरे को लगभग 2.68 न्यूटन जो है मिल जाएगा, और ये ऑप्शन जो थर्ड है वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि अ मास ऑफ 0.5 केजी मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड ऑन अ हॉरिजेंटल प्लेन। ये जो ब्लॉक है वो 1.5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से हॉरिजेंटल स्मूथ सरफेस पे मूव कर रहा है नियरली वेटलेस स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के इक्वल टू, और ये जो कोलिजन कर रहा है के इक्वल टू इस स्प्रिंग के साथ जिसका के जो है वो 50 न्यूटन पर मीटर है। तो द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग वुड बी, स्प्रिंग में जो है मैक्सिमम कंप्रेशन क्या होगा। तो देखो जब ब्लॉक रुक जाएगा तो वहां पर जो स्प्रिंग के अंदर जो कंप्रेशन होगा वो मैक्सिमम होगा। इसका मतलब स्प्रिंग की आपका ब्लॉक है उस ब्लॉक की जो काइनेटिक एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी अपनी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो यहाँ पर अपन सिंपल सा लिखेंगे हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। ये हाफ से हाफ कैंसिल हो गया और यहाँ पर अपने को चाहिए मैक्सिमम कंप्रेशन। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम बाई के इंटू वी स्क्वायर, और यहाँ से जो एक्स का वैल्यू मिला वो एम रूट ओवर एम बाई के मल्टीप्लाइड बाई वी मिल गया। अब अगर अपन एम की बात करें कि एम कितना है, तो इस ब्लॉक का जो मास है वो अपना 0.5 है डिवाइडेड बाई अपना जो के है वो 50 है, और यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाई अपना जो है वेलोसिटी जो है वो 1.5 है। तो ये जो है अपना रूट ओवर 1/100 हो जाएगा, और ये जो मल्टीप्लाइड है वो 1.5 से मल्टीप्लाइड है। तो 1/100 को जब मैं सॉल्व करूँगा तो 1/10 आ जाएगा, अंडर रूट हटाऊँगा तो ये 0.15 मीटर जो है मुझे मिल गया। तो ऑप्शन जो है अपना वन ऑप्शन, ऑप्शन फर्स्ट जो है अपना करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि अ पॉइंट चार्ज ऑफ 0.009 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट ओरिजिन। एक पॉइंट चार्ज है उसको ओरिजिन पे रख दिया। कैलकुलेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज एट पॉइंट √2, √7, 0। तो क्या है इसके अंदर, इसके अंदर ये देखते हैं कि एक पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल है, उस पार्टिकल को जो है अपन ने ओरिजिन पे रख दिया, मूल बिंदु पे रख दिया, और ये जो चार्ज Q है अपना, ये Q इक्वल टू है 0.009 माइक्रो कूलम। अब अपने को जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए वो एक पॉइंट पे चाहिए, और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो अपने हैं √2, √7, 0। अब ये डिस्टेंस जो है इसको मैं r मान लेता हूँ और वेक्टर r मान। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब भी चाहिए तो उसका फॉर्मूला अगर वेक्टर फॉर्म में अपन देखें, क्योंकि जो आंसर है वो वेक्टर फॉर्म में, तो वो अपना फॉर्मूला होता है E इक्वल टू के क्यू बाई आर क्यू मल्टीप्लाइड बाई वैक्टर आर। अगर मैं यहाँ से वैक्टर आर लिखूँ तो वैक्टर आर लिखता हूँ तो वो आता है √2 i कैप + √7 j कैप। और अगर मैं मैग्नीट्यूड लूँ आर का, कि आर का मैग्नीट्यूड क्या होगा,
तो वो रूट टू का स्क्वायर प्लस रूट सेवन का स्क्वायर, टू प्लस सेवन मतलब अंडर रूट नाइन, तो वो हो जाएगा थ्री। ये अपने के पास आर मिल गया, आर मिला अपना थ्री। अब इस फॉर्मूले के अंदर अपन पुट करते हैं और देखते हैं कि आंसर क्या आ रहा है। ई इक्वल टू के का वैल्यू जो है वो 9 × 10⁻⁹ पुट कर दिया, एंड क्यू का जो वैल्यू है वो यहाँ पे 9 × 10⁻³ और माइक्रो की वजह से 10⁻⁶ और आ जाएगा, डिवाइडेड बाई अपना हो जाएगा आर क्यूब। आर का जो क्यूब है मतलब 3 का क्यूब हो गया, और जो वेक्टर है वेक्टर आर क्या हो जाएगा वो अपन पहले ही लिख चुके हैं, रूट टू आई कैप प्लस रूट सेवन जे कैप। ये अपने पास वेक्टर जो है आर आ गया। ये जो है 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, और यहाँ से ये जो है ये 10⁻⁹ प्लस का है ये दोनों इसको कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे 87 आएगा और डिवाइड में 27, तो 3 टाइम्स आएगा। तो E इक्वल टू 3 × √2 i कैप प्लस √7 j कैप। ये जो है अपने को न्यूटन पर कूलम जो इसकी यूनिट होती है इसके अंदर अपने को आंसर मिल गया। देखते हैं ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। तो 3 √2 i कैप प्लस 3 √7 j कैप, ये अपना ऑप्शन जो है थर्ड जो है यहाँ पर करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इक्वल करंट आई इज फ्लोइंग इन 3 infinitely लॉन्ग वायर्स अलोंग पॉजिटिव एक्स कॉमा वाई एंड जेड डायरेक्शन, द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट 0, 0, -a। अब देखो यहां पर क्या करने, 3 वायर है जिनके अंदर करंट चल रही है आई, और वो क्या है कि कोऑर्डिनेट के डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, एक वाई डायरेक्शन और एक जेड डायरेक्शन में। अब अपने को जो मैग्नेटिक फील्ड पता करना है वो इस पॉइंट पे पता करना है, मतलब ये माइनस जेड एक्सिस पे एक पॉइंट है उस पे अपन मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। तो थोड़ा सा इसमें डायरेक्शन का अपने को जो है पता रखना है, बाकी कुछ नहीं, इजीली ये हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये अपना एक्स हो गया, ये वाई हो गया, और जेड को मैं थोड़ा सा ऐसे जो है दिखा देता हूँ कि ये थोड़ा सा बाहर की ओर निकला हुआ वायर है, ये जेड हो गया, और ये अपना जो है एक पॉइंट हो गया। क्या हो गया पॉइंट? 0, 0, -a, जिस पॉइंट पर प्लेन के अंदर है ये पॉइंट, और उस पॉइंट पर अपने को जो मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। अब जो करंट जो है वो फ्लो हो रही है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो देखो सब में इसमें भी आई जा रही है, इसमें भी आई जा रही है, और इसमें भी आई जा रही है। देखो ये पॉइंट जो है वो तो जेड एक्सिस पे भी है, तो इसका मतलब जो वायर जो है, वायर इन जेड डायरेक्शन जो है, जेड डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड जो उसकी वजह से आएगा, बी जो आएगा वो जीरो आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो पॉइंट है वो जेड एक्सिस के अलोंग अपना क्या कर रहा है, लाई कर रहा है, इसलिए जीरो आ जाएगा। अब अपने को जो डिसाइड करना है वो अपने को डिसाइड करना है जेड आई एक्स और वाई वाले वायर की वजह से। तो ये अगर मैं एक्स डायरेक्शन अगर मैं अज्यूम करता हूँ, ये अगर मेरी एक्स डायरेक्शन में करंट ऐसे जा रही है, तो मैं क्या करूँगा, राइट हैंड लूंगा और अपने थंब को जो है करंट की डायरेक्शन में रखूंगा, और जब मैं फिंगर्स को मूव करूंगा तो मेरी फिंगर्स जो है वो फिंगर्स ऊपर की ओर जा रही है, और ऊपर अपना क्या है, प्लस का जे कैप। मतलब इस वायर की वजह से, एक्स डायरेक्शन में जो वायर है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आया वो प्लस जे कैप डायरेक्शन में अपना क्या है, आ गया। और अपने को पता है इनफाइनाइट लेंथ वायर है, तो क्या होता है, म्यू नॉट आई बाई 2πr, और यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो कितना हो गया, डिस्टेंस अपना जो है वो अपना कितना हो गया, वो अपना सिंपल सा हो गया, क्या हो गया, a हो गया। तो यहाँ से बी जेड, तो मतलब जेड डायरेक्शन में वायर है उसकी वजह से जीरो हो गया, और बी एक्स जो है वो वाई डायरेक्शन में दे रहा है म्यू नॉट आई बाई 2πa, और ये किस में, प्लस जे कैप में अपना दे रहा है। अब अगर मैं बात करूं बी वाई की बात करूं, मतलब वाई डायरेक्शन में जो वायर है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, देखते हैं। देखो ये मैग्नीट्यूड तो यही रहेगा म्यू नॉट आई बाई 2πa, केवल और केवल जो अपने को जो डिसाइड करनी है वो डिसाइड करनी है मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन। तो देखो वाई डायरेक्शन में अगर मैं रखता हूँ और पॉइंट जो है वो अंदर है, तो मूव करता हूँ तो फिंगर्स जो है उधर, प्लस ये प्लस का आई है पर ये किसका है, माइनस का आई, मतलब माइनस आई कैप डायरेक्शन में जो है ये वाला वायर दे रहा है। तो अगर मैं जोड़ देता हूँ सबको, तो
तो जो मुझे मैग्नेटिक फील्ड बी जो मिलता है बी नेट, वो मुझे क्या मिल जाता है, म्यू नॉट आई बाई टू पाई ए जे कैप माइनस आई कैप। तो जे कैप माइनस आई कैप ऑप्शन वन करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर टू की बात करूं तो द एंगल्स विच इज अ वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस रूट टू के मिक्स विथ एक्स वाई एक्स कॉमा वाई एंड जेड, ये एक वेक्टर है, वो क्या कर रहा है, इन तीनों एक्सिस के साथ, आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस के साथ क्या कर रहा है, कुछ एंगल बना रहा है। तो वो एंगल कितना बना रहा है इसको अपन पता करते हैं। तो अपने को पता है कॉस अल्फा जो होता है, ये अल्फा कॉस अल्फा इक्वल टू होता है आर एक्स डिवाइडेड बाई आर, और ये कोसाइन वाले अपने को पता होता है कॉस बीटा इज इक्वल टू होता है आर वाई डिवाइडेड बाई आर, एंड कॉस गामा जो अपना होता है वो होता है आर जेड डिवाइडेड बाई आर, ये अपना होता है। अब अगर अपन बात करें क्या होगा यहाँ पर, जो वेक्टर है आर जो है, वेक्टर आर क्या है, वेक्टर आर जो है वो अपना आई कैप प्लस जे कैप प्लस रूट टू के कैप है। अगर यहाँ पर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ आर की बात करूँ कि आर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो वो हो जाएगा वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस रूट टू का स्क्वायर, और इसके ऊपर अपन लगा देंगे अंडर रूट। तो ये जो है अपना इसका मैग्नीट्यूड जो है यहाँ से अपने को जो है टू मिल गया। अब मुझे आर एक्स क्या होगा, वन होगा, तो आर एक्स मेरा हो जाएगा वन, और आर कितना है, आर मेरा टू है, तो ये कॉस अल्फा के इक्वल आएगा। तो यहाँ से जो अल्फा मतलब एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है वो मेरा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 60 डिग्री। फिर मैं अगर बात करूँ आर वाई की, तो ये भी आर वाई भी अपना क्या है, जे में वन है, और इसका जो आर जो मैग्नीट्यूड है वो अपन कैलकुलेट किया वो टू है, ये कॉस बीटा, तो इसका एंगल भी सेम हो जाएगा और बीटा का वैल्यू भी अपने को जो है वो 60 डिग्री मिल जाएगा। अगर मैं बात करूं आर जेड की, आर जेड अपना रूट टू है डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू कॉस गामा, तो यहां से वन बाई रूट टू हो जाएगा, तो गामा जो है वो 45 डिग्री अपने को मिल जाएगा। तो क्या आया 60 60 45, तो ये ऑप्शन थर्ड जो है अपना करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ रहा बोल रहा है कि टू रजिस्टर्स ऑफ रजिस्टेंस आर वन इक्वल टू 300 प्लस माइनस 3 ओम एंड आर टू इक्वल टू 500 प्लस माइनस 4 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज, द इक्वलेंट रजिस्टेंस ऑफ दी सीरीज कॉम्बिनेशन इज। यहाँ पर अपने पास दो रजिस्टर है और जो रजिस्टेंस वन है आर वन जो अपना है वो अपना क्या है 300 प्लस माइनस 3 ओम, ये अपने पास हो गया। और अगर मैं आर टू की बात करूं कि आर टू क्या है, तो आर टू जो है वो हो जाएगा 500 प्लस माइनस 4 ओम, ये अपने पास हो गया। अब अपने को क्या है कि इसका जो कॉम्बिनेशन है वो सीरीज का देखना है, तो सीरीज का अगर मैं आर इक्विवेलेंट प्लस डेल्टा आर इस टाइप से मैं देखूंगा प्लस माइनस, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 300 प्लस 500 सीरीज में डायरेक्टली मैं ऐड कर लूंगा प्लस माइनस। अब देखो एरर जो है वो हमेशा ऐड होती है, इसके पास एरर जो है वो 3 है आर वन के पास, इसके पास 4 है, तो मैक्सिमम जो प्लस माइनस 7 ओम, ये अपना आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन सेकंड में है, ये ध्यान, कभी भी माइनस नहीं करेंगे प्लस ही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ क्यूबिकल ब्लॉक रेस्ट ऑन एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ कोफिशियंट म्यू इक्वल टू 1/√3, व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन सो दैट द ब्लॉक जस्ट स्लाइड डाउन द इंक्लाइन, ब्लॉक को जस्ट स्लाइड करवाना है। तो ये अपना जो है एक अपन इंक्लाइन प्लेन ड्रॉ कर रहे हैं, ये एक इंक्लाइन प्लेन हो गया, और इस एंगल को जो अपने को पता करना है इसको अपन ने थीटा ज्यूम कर लिया। अब यहाँ पर अपने को पता है फोर्स जो लगेगा वो फोर्स लगेगा यहाँ पर जो अपना फोर्स लगेगा वो फोर्स अपना लगेगा mg
यहां पर जो फोर्स लगेगा वो अपना फोर्स लगेगा एम जी साइन थीटा, और बैकवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वो लगेगा अपना फ्रिक्शन फोर्स। और अगर फ्रिक्शन फोर्स अपना क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स होता है म्यू इंटू एन, एन अपना हो जाता है एम जी कॉस थीटा, म्यू इंटू एन और एन अपना जो होता है वो एम जी कॉस थीटा हो जाता है। तो यहाँ पर जो दोनों है वो एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, तो मैं लिख दूंगा एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू एम जी कॉस थीटा। तो यहाँ से अपने पास ये एम जी से एम जी कैंसिल हो गया और म्यू इक्वल टू अपने को मिला टेन थीटा, और जो म्यू है वो अपना कितना है 1/√3, म्यू 1/√3 है इक्वल टू टेन थीटा। तो यहाँ से थीटा का जो वैल्यू है वो अपने को मिल गया 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, द एक्सेलेरेशन ऑफ पार्टिकल एट टी इक्वल टू 4/3, किसी टी इक्वल टू 4/3 पे पार्टिकल का जो है एक्सेलेरेशन पता करना है। एक्सेलेरेशन का जो फॉर्मूला अपने को पता है वो कितना होता है, वो होता है ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ओमेगा, ओमेगा जो होता है तो ओमेगा के लिए अपन टाइम पीरियड पता करेंगे, और टाइम पीरियड जो होता है वो पूरे एक साइकिल की वजह से अपन लेते हैं। तो टाइम पीरियड जो आएगा वो आएगा 2π/ ओमेगा जो 2π/ओमेगा होता है, तो ओमेगा जो है 2π/t, टी कितना है अपना 8, तो यहाँ से ओमेगा जो है वो अपने को π/4 मिल गया, रेडियन पर सेकेंड, ये अपने को मिल गया, ओमेगा मिल गया, ठीक है। बट अपने को एक्स भी चाहिए, तो एक्स देखो ये सिंपल सी एक साइन की इक्वेशन है, तो एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। अब देखो यहाँ से एक्स इक्वल टू ए, ए मतलब एम्पलीट्यूड जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है वो अपना 1 हो जाएगा, साइन ओमेगा, ओमेगा अपना हो जाएगा π/4, और जो टाइम अपन ने लिया है वो टाइम किस जगह पर, ये रहा जो गिवन है 4/3, तो यहाँ से ये 4 से 4 कैंसिल हो गया और ये π/3 हो गया, और साइन π/3 की जो वैल्यू है वो अपना होता है √3/2 होता है, साइन π/3 की वैल्यू √3/2। तो यहाँ से अब मैं इसको पुट करता हूँ माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो π² / अपना हो जाएगा 16 इंटू अपना एक्स, एक्स जो है वो √3/2, तो यहाँ से ए का जो वैल्यू है माइनस √3π² / 32, तो इस माइनस √3/ जो है अपना ऑप्शन जो है ये फोर्थ नंबर ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि टू पोलराइड आर प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ अनपोलराइज्ड बीम ऑफ इंटेंसिटी आई नॉट सच दैट नो लाइट इज इमिटेड फ्रॉम द सेकेंड पोलराइड। देखो पहले इस यहाँ तक, इस क्वेश्चन को यहाँ तक अपन देखते हैं कि दो दो जो है पोलराइड इस तरह है कि दूसरे पोलराइड से कोई भी लाइट इमिट नहीं हो रही है, मतलब उससे लाइट क्या हो रही है, जीरो। जैसे मान लो ये, मान लो अपने पास एक पोलराइड है कोई भी, ये पोलराइड 1 है, कोई एक पोलराइड अपना क्या है 1, यहाँ पे अपन मान लेते हैं ऐसा पोलराइड 1 है, इससे लाइट एंटर करेगी, जैसे ही इससे लाइट एंटर करेगी अपना तो क्या हो जाएगा I0/2, और यहाँ से जैसे ही लाइट इससे जब एंटर कर रही है कोई दूसरा पोलराइड से, पोलराइड 2 से, तो जो लाइट जो बाहर आ रही है आई वो हो जाएगा 0, और यहाँ पर जो ये आई किसके इक्वल होगा I0/2 cos² φ, मतलब ये फाई जो है पोलराइड 1 और पोलराइड 2 के बीच में एंगल होता है, और ये कितना हो जाएगा अपना, ये 0 हो जाएगा, I0 0 हो नहीं सकता, तो यहाँ से cos² φ को 0 होना पड़ेगा, और फाई जो है कब 0 होता है, जब दोनों के बीच में एंगल कितना डिग्री हो, 90 डिग्री, मतलब पोलराइड 1 और पोलराइड 2 के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है। अब इफ अ थर्ड पोलराइड हुज पोलराइजेशन एक्सिस मेकिंग एन एंगल थीटा विथ द पोलराइजेशन एक्सिस ऑफ फर्स्ट पोलराइड इज प्लेस्ड बिटवीन दीज पोलराइड देन द इंटेंसिटी। अब अपन ने क्या किया, एक तीसरे पोलराइड को भी क्या किया, इंट्रोड्यूस करवा दिया, वो अपना क्या कर रहा है, वो जो है पोलराइड एक्सिस से यहाँ से एक थीटा एंगल बना रहा है, और तीसरा पोलराइड जो है वो 90 डिग्री पे, तो वो ऐसे कुछ हो जाएगा। देखो अब इन दोनों के बीच में अगर मैं एंगल की बात करूँ, तो इन दोनों के बीच में अगर एंगल थीटा है ना, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल आएगा, इन दोनों के बीच में एंगल जो है वो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। यहाँ से लाइट पास हुई,
जब पहले यहां से जब पास होगी, यहां से आई आ रही थी और यहां से जब लाइट पास होगी तो अपना हो जाएगा आई नॉट बाई टू कॉस स्क्वायर थीटा। अब जब लाइट इन दोनों के बीच में 90 माइनस थीटा एंगल है तो यहां से हो जाएगा आई नॉट बाई टू कॉस स्क्वायर थी आई नॉट बाई टू कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाई साइन कॉस स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई कॉस स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा। तो देखो कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, कोई भी 90 माइनस थीटा तो कॉस किस में बदल जाएगा, साइन में बदल जाएगा। और यहां से अपने को जो मिलेगा वो इस टाइप का एक्सप्रेशन मिल जाएगा आई नॉट बाई टू कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं इसको ढंग से देखूं तो ये जो है साइन थीटा कॉस थीटा मतलब साइन टू थीटा का फॉर्मेट है, बट ये स्क्वायर में है, तो यहाँ मल्टीप्लाई टू से करूंगा ऊपर तो नीचे भी किससे हो जाएगा टू से, तो ये अपना हो जाएगा साइन स्क्वायर टू थीटा। तो यहां से अपने को मिला आई नॉट बाई एट साइन स्क्वायर टू थीटा। इसका जो ऑप्शन अपना करेक्ट है वो आई नॉट बाई ऑप्शन वन जो है वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना बोल रहा है द वेवलेंथ लैम्बडा डी ब्रोगली वेव्स एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस वी। तो जो काइनेटिक एनर्जी जो गेन होता है कभी भी इलेक्ट्रॉन जब अपना एक्सेलरेट करता है तो वो होता है क्यू इंटू वी। तो क्यू कितना इलेक्ट्रॉन का ई है और वोल्टेज जिससे वो एक्सेलरेटेड हो रहा है वो अपना वी है। अब अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए लैम्बडा, इससे कितना जो है आपका, इससे क्या है कि अपने को चाहिए द वेवलेंथ। तो लैम्बडा इक्वल टू एच अपॉन पी होता है जो अभी बताया अपन ने, पर और इसको अगर काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिखूं तो रूट टू एम इंटू के ई। तो यहां से लैम्बडा इक्वल टू एच अपॉन रूट टू एम इंटू के ई, के ई की वैल्यू ई इंटू वी। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, फोर्थ करेक्ट हो गया, लैम्बडा अपॉन रूट टू एम ई इंटू वी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है कि इन अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम The induced current developed by changing magnetic flux through it is shown in a figure as a function of time, the magnitude of change in flux through the coil in Weber. तो देखो एक IT curve दे रखा है और अपने को जो है यहाँ पर phi delta phi पता करना है। अपने को पता है EMF I EMF जो होता है वो क्या होता है delta phi by delta t है ना, और EMF क्या हो जाएगा, EMF को अगर अपन लिखते हैं तो I इंटू क्या लिखते हैं R लिखते हैं और ये डेल्टा माइनस, मैं अभी मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ केवल, है ना, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। तो डेल्टा फाई बाई डेल्टा T, तो डेल्टा फाई जो मुझे मिलेगा वो डेल्टा T इंटू I इंटू R। अब देखो डेल्टा T इंटू I मतलब क्या होगा कि ये जो ग्राफ गिवन है इसका क्या चाहिए एरिया आई टी का, इंटू R से मल्टीप्लाई कर दो। तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू इसका एरिया जो आएगा, ये ट्रायंगल है राइट एंगल, हाफ इंटू 0.2 इंटू 4 इंटू जो रेजिस्टेंस है वो अपना 10 है। तो ये जो है ये 2 हो गया, ये हो गया अपना यहाँ से 4, ये ऑप्शन हो गया वेबर 4 वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि अ गन माउंटेड ऑन द टॉप ऑफ अ मूविंग ट्रक इज एम्ड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द वर्टिकल। If the muzzle velocity of the gun is 4 meter per second, then the speed of the truck that will make the bullet come out vertically. Question बोल रहा है कि एक क्या है, एक अपन ने क्या है कि एक ट्रक है, ये रहा ट्रक, और ये ट्रक मान लो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में किसी वेलोसिटी वी से जा रहा था। अब यहां से गन जो अपन छोड़ रहे हैं, बोला है बैकवर्ड डायरेक्शन, इन द बैकवर्ड डायरेक्शन में गन छोड़ रहे हैं, और जो एट एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द वर्टिकल, और ये वर्टिकल से जो है 30 डिग्री का जो एंगल है वो बना रही है, और इसकी जो स्पीड है वो अपना 4 मीटर पर सेकेंड है। अब क्या बोले, देन द स्पीड ऑफ द टर्क दैट विल मेक द बुलेट कम आउट वर्टिकली। अब अपने को क्या है कि अपन खड़े हैं कहीं पे ग्राउंड पे, एक ऑब्जर्वर खड़ा है ग्राउंड पे, कोई बंदा खड़ा है, और जैसे अपन खड़े तो अपने को जो ये जो ये जो जो बुलेट है या जो जो अपना फायरिंग हो रहा है वो क्या दिखे, वो दिखे वर्टिकल। तो वर्टिकल में दिखे मतलब हॉरिजॉन्टल में सारा क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो हॉरिजॉन्टल में जो इसका जो वेलोसिटी आएगा
वो अपना आ जाएगा 4 sin 30, क्योंकि ये कितना है, ये कॉस कंपोनेंट आएगा तो ये साइन का, और दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल, क्योंकि जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो केवल और केवल अपने को वाई डायरेक्शन में चाहिए। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 4 sin 30 degree इज इक्वल टू अपना वी आ गया, और साइन 30 अपने को पता है कितना होता है, 1/2 V, तो V इक्वल टू अपना यहाँ से अपने को 2 meter per second, ये अपने को वेलोसिटी की जो है वैल्यू मिल गई, ऑप्शन 4th करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि एक प्रोटॉन है, वो एंटर अ मूविंग प्रोटॉन परपेंडिकुलरली एंटर इनटू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अकॉर्डिंग टू डायग्राम, देन व्हाट विल बी द इमर्जेंट एंगल ऑफ प्रोटॉन विथ लाइन ए बी। ये प्रोटॉन है, ये जब बाहर निकलेगा तो ऐसे ही बाहर निकलेगा, अब अपने को ये जो वर्टिकल लाइन है ए बी के साथ कितना एंगल बन रहा है वो पता करना है। ये एंगल अपना 30 होगा और ये टोटल जो एंगल होगा वो 90 होगा, तो 90 - 30, ये वाला एंगल जो है ए बी के साथ जो बना रहा है वो 60 degree, और ऑप्शन 2nd जो है वो अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल द रिलेटिव परमिटिविटी वर्सेस आपका मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच कर्व हैज द फॉलोइंग शेप। तो इसके अंदर थोड़ा सा आपको याद रखना है ना, कोई दिक्कत नहीं, बट मैं बता देता हूँ। तो म्यू आर जो होता है, म्यू आर इक्वल टू होता है अपना 1 + I/H, ये अपना म्यू आर का वैल्यू होता है, 1 + I/H। तो बेसिकली क्या होता है कि जैसे जैसे आप एच इंक्रीज करोगे, है ना, एच इंक्रीज करोगे तो आई जो है वो ज्यादा इंक्रीज होता है, ये आई जो है वो ज्यादा इंक्रीज होता है कुछ टाइम के लिए, है ना। तो आई ज्यादा इंक्रीज होता है एच से, तो आई बाई एच का रेशियो जो है वो ज्यादा इंक्रीज होगा, ठीक है। एच भी इंक्रीज हो रहा है बट आई उसके कंपेयर में ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब म्यू आर भी आपका क्या हो जाएगा, म्यू आर, ये अगर इंक्रीज हो रहा है तो म्यू आर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो म्यू आर इंक्रीज होगा, इसके अंदर तो कॉन्स्टेंट है, ये तो कभी हो नहीं सकता, इसके अंदर डिक्रीज हो रहा है ये भी कभी नहीं हो सकता। अब अपने को 1 और 4th में एक चूज करना है, क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद एक एच की वैल्यू, उस वैल्यू के लिए क्या होता है कि पूरा जो मटेरियल होता है वो मैग्नेटाइज हो जाता है और आई जो है आपका कांस्टेंट हो जाता है, आई कांस्टेंट हो जाता है। और फिर क्या करता है कि जैसे ही आप एच इंक्रीज करते हो उसके बाद, तो एच इंक्रीज करते हो, आई क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, आई कांस्टेंट हो गया, तो अब जो म्यू आर जो अपना होता है वो म्यू आर अपना क्या होने लग जाता है, डिक्रीज होने लग जाता है। तो म्यू आर डिक्रीज, तो देखो इस ग्राफ के अंदर अपन देखें तो पहले बढ़ा, फिर एक पॉइंट पे मैक्सिमम हुआ और फिर जो है डिक्रीज होने लग गया, ऑप्शन 4th जो है वो अपना करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, व्हेन इनिशियल स्टेट ऑफ गैस एंड फाइनल स्टेट ऑफ गैस इज सेम देन। देखो जब भी, तो अपने को पता है जो इनिशियल और फाइनल स्टेट जो है किसी भी गैस का, जैसे मान लो इस पॉइंट से शुरू किया ए पे और ए पे ही खत्म किया, तो कौन जीरो होगा हमेशा, जो अपना स्टेट फंक्शन होगा। तो वर्क है वो स्टेट फंक्शन, वर्क तो है पाथ फंक्शन होता है, डेल्टा यू मस्ट बी जीरो, क्योंकि ये क्या होता है, स्टेट फंक्शन होता है। तो अगर जहाँ से शुरू किया था वहीं खत्म कर रहे हो, इसका मतलब ये जो है जीरो गया। डेल्टा क्यू के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, डेल्टा क्यू तो वर्क डन और दोनों पे डिपेंड, मे बी नहीं, मस्ट, तो ऑप्शन 2 जो है इसका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना बोल रहा है, एक सिंपल सा अपने को जो है गिवन है, एक ये लेंस गिवन है, है ना, और यहाँ पर अपने को μ1 and μ2 के अंदर जो है रिलेशन जो है इस लाइट के बिहेवियर के बेसिस पे शो करना है। देखो ये जो लाइट रे है यहाँ पर अंदर एंटर करती है, और अंदर के एंटर करती है तो एकदम सीधा चली जाती है, इसका मतलब μ1 जो है, क्योंकि डेविएट नहीं हुई, तो μ1 जो है μ2 के क्या हो गया, इक्वल। अगर अपन सीधा देखें तो μ1 और μ के इक्वल जो है केवल और केवल एक ऑप्शन में शो हो रहा है, मतलब ये ऑप्शन 4 जो है, ऑप्शन 3rd जो है इसमें ही शो हो रहा है। फिर भी अपन इसको भी कंपेयर कर लेते हैं कि म्यू और म्यू टू में क्या रिलेशन होगा। आपने देखा होगा जनरली अपन जब देखते हैं कि जब भी इस टाइप का लेंस होता है अपना, ये है ना कॉनकेव लेंस, तो इसके अंदर रे फैल जाती है। तो रे मान लो ये म्यू वन है और ये म्यू टू है, तो रे कब फैलती है, जब म्यू टू क्या होता है लेस देन होता है किससे, म्यू वन से। तो यहाँ पर तो उल्टा हो जाएगा, क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रही है ये देखो रे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब जैसे म्यू टू क्या हो जाएगा अपना ग्रेटर देन हो जाएगा किससे, म्यू से। तो म्यू टू बड़ा है म्यू से, इसका मतलब ऑप्शन 3 एकदम इसको सेटिस्फाई कर रहा है और करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन द विस्कस फोर्स एक्टिंग बिटवीन लिक्विड लेयर्स ऑफ एरिया ए एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट dv/dx इज गिवन बाई f = -eta a
dv by dx, where eta is a constant called coefficient of viscosity, the dimension of eta. तो यहाँ पर अपने को इस eta की जो है dimension, इस eta की जो dimension है वो चाहिए. तो f, f का जो dimension होता है force का वो होता है mLt minus 2, eta minus को हटा दो क्योंकि dimension के अंदर इस minus का कोई role नहीं होगा, eta. एरिया की जो डायमेंशन है वो एल स्क्वायर हो जाएगी और डी वी मतलब वेलोसिटी की जो डायमेंशन है वो एल टी माइनस वन हो जाएगी और एक्स जो ये डिस्टेंस है और इसकी जो डायमेंशन है वो एल हो जाएगी. एल से एल कैंसिल, ये अपना एक एल स्क्वायर और ये एक एल कैंसिल और यहाँ से जो ईटा अपने को मिला वो एम और एक एल बचा हुआ था यह माइनस वन हो जाएगा और ये टी भी यहाँ पर एक कैंसिल हो जाएगा तो टी माइनस वन एम एल माइनस वन टी माइनस वन. वैसे आप याद रखा करो ईटा की डायमेंशन. नेक्स्ट नेक्स्ट अपने को क्या है कि एक रिएक्शन शो हो रहा है, ये वाला इस टाइप का रिएक्शन, यहाँ पे ये वन हो जाएगा, ये जो रिएक्शन है ये शो हो रहा है. ये अपने को क्या है, इन द रिएक्शन टू एच वन थ्री एच वन इज जो चेंज हो रहा है फोर एच ई टू में और एक न्यूट्रॉन निकल रहा है. इफ द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जो है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है एक्स किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए है और इसके लिए ट्राइटेम के 1s3 के लिए अपना वाई है और हीलियम के लिए जेड है. तो देखो अगर मान लो हीलियम जब बना तो उससे कितनी एनर्जी निकलेगी, एक न्यूक्लियन जो एनर्जी निकालता है वो जेड निकालता है तो इसके हीलियम के अंदर न्यूक्लियन कितने हैं, फोर. तो इससे जो एनर्जी जो रिलीज होगी वो कितनी हो जाएगी, फोर जेड. अब मान लो आपको एक इसको 1s2 को ब्रेक करना है तो एक न्यूक्लियन को ब्रेक करने के लिए x होता है तो दो न्यूक्लियन के लिए क्या हो जाएगा, माइनस का 2x. अब देखो 1s3 तो इसके अंदर कितने न्यूक्लियन है, 3 और इसके एक न्यूक्लियन की जो एनर्जी है वो है तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, 3y. तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, 4z माइनस 2x माइनस 3y, ये अपना आंसर 4z माइनस 2x माइनस 3y, ये आंसर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है कि अब बस began to start move with an acceleration 1 meter per second. A man who is 48 meter behind the bus start to running at 10 meter per second to catch the bus. The man will be able to catch the bus after. यहाँ पर बोल रहा है कि एक आदमी है वो यहाँ खड़ा है और ये क्या कर रहा है, इधर चलना स्टार्ट करता है 10 meter per second से. इससे एक बस है, यहाँ पर एक बस है जो acceleration 1 meter per second से आगे की ओर जा रही है. ये जो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो अपना 48 मीटर जो है ये डिस्टेंस है. अब अपने को ये बताना है कि आदमी कितने टाइम बाद इसको कवर कर देगा. तो आदमी जो मान लो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो वो कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 10t. और जो बस और आदमी को कवर कितना करना है, 48 प्लस बस के द्वारा, तो बस कितना कवर कर लेगा, मान लो इनिशियल वेलोसिटी जीरो, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है तो क्या हो जाएगा, हाफ 80 स्क्वायर. तो जो ये मैन है ये कितनी कवर करेगा, ये कवर करेगा आपका 48 प्लस हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर. ए कितना है, 1 है, तो 10t इज इक्वल टू 48 प्लस टी स्क्वायर बाई 2. यहाँ से अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से टी स्क्वायर ये हो जाएगा 20, तो ये 20 इधर आके माइनस का 20t और ये हो जाएगा अपना प्लस का 96 इक्वल टू 0. अब टी को इसको अपन ब्रेक कर देंगे, टी स्क्वायर माइनस 12t माइनस 8t प्लस 96. तो यहाँ से टी माइनस 12 और टी माइनस 8 की जो दो इक्वेशन बन के आई, अब देखो इक्वल टू 0. तो यहाँ से टी के अपने को दो मान मिले, 12 and 8. ऑप्शन में 8 है तो ऑप्शन ऐड सेलेक्ट कर देंगे और अपना ये जो है आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट नेक्स्ट जो है क्या किया जा रहा है, सिस्टम शोन इन फिगर इज इन इक्विलिब्रियम एंड एट रेस्ट. ये रेस्ट में है, अभी इक्विलिब्रियम में है. द स्प्रिंग एंड स्ट्रिंग आर मासलेस, नाउ द स्ट्रिंग इज कट. ये स्ट्रिंग को कैची लगी हुई है, यहाँ पे काट दिया गया. द एक्सेलेरेशन ऑफ मास 2m एंड जस्ट m जस्ट आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट. स्ट्रिंग को जैसे ही काटा तब 2m और m का जो है एक्सेलेरेशन बताना है. पहले इनका एफबीडी बनाते हैं, तो एफबीडी क्या है, तो वह नॉर्मल एफबीडी बनाते हैं कटने से पहले. ये 2m और ये अपना 2m हो गया और ये जो है नीचे जो लगा हुआ है वो अपना m हो गया. तो देखो यहाँ पर जो है mg लग रहा होगा और यहाँ पर टेंशन जो है ऊपर t लग रहा होगा.
तो मैं लिखूंगा टी इक्वल टू, क्या लिख दूंगा, एम जी। अब देखो इसके अंदर डाउनवर्ड टी लग रहा होगा और क्या लग रहा होगा, जैसे 2m की अगर मैं बात करूं, 2m का मैं FBD बनाऊं, तो 2mg तो नीचे लगेगा ही, 2mg नीचे लगेगा ही, प्लस क्या लगेगा, t लगेगा, और ये ऊपर जो लगेगा वो लग जाएगा अपना kx, ठीक है। अब यहां पर t इक्वल टू अपना mg है, तो kx इक्वल टू जो है वो मैं लिख दूंगा 3 इंटू 3mg, ये अपना kx का जो है वैल्यू आ गया। अब अपने को क्या चाहिए, एक्सेलेरेशन। बेसिकली जैसे ही आप कट करते हो तो स्ट्रिंग स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन है वो इंस्टेंटली चेंज हो जाता है, बट स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स है वो एकदम इंस्टेंटली चेंज नहीं होता। तो स्प्रिंग तो अब 2m का देखते हैं, तो ये टी यहाँ पे क्या हो गया अपना, जैसे ही कट करेंगे टी जीरो हो जाएगा, तो ऊपर तो लग रहा था अपना kx, तो kx कितना है, kx अपना है 3mg, और नीचे कितना लग रहा है, माइनस का 2mg, और एक्सेलेशन जो है वो आ जाएगा 2m इंटू ए। तो ये एक्सेलेशन जो इसका आएगा, ए मान लो ऊपर की ओर आएगा, और यहाँ से ए जो है ये g बाई टू अपना अपवर्ड डायरेक्शन में मिल गया, किसका, m2 ब्लॉक का। m क्या करेगा, कट गया तो ये फ्री फॉल करेगा, फ्री फॉल करेगा तो इसका जो एक्सेलेशन है डाउनवर्ड जो है वो g आ जाएगा, तो g बाई टू अपवर्ड, g डाउनवर्ड, ये अपना आंसर हो गया किसका, 2m एंड m का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर एक सर्किट दे रखा है और इसका अपने को व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन, तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इस पॉइंट को अपन डी लिख देते हैं और ये बी है, तो यहाँ पर अपन ने इसको थोड़ा सा ढंग से बनाया कि ये ए है, एक पॉइंट अपना डी है और एक पॉइंट अपना बी हो गया। ए से डी पे केवल और केवल एक कैपेसिटर जा रहा है, ये एक कैपेसिटर मैंने भेज दिया। ए टू ये आपका बी है, ए टू बी पे भी आपका एक कैपेसिटर जा रहा है, तो ये मैंने ए टू बी पे भी जो है एक कैपेसिटर भेज दिया, तो ये वाला अपना हो गया। डी टू बी पे दो कैपेसिटर जा रहे हैं, ये लो दो कैपेसिटर भेज दिए मैंने, ये दो कैपेसिटर भेज दिए, सब इसका भी सी है सी है सी है, टू सी हो जाएगा और ऊपर इसका हो जाएगा टू सी बाई टू सी, दोनों का पैरेलल है और ये सीरीज है, ये टू सी बाई थ्री, तो एट द एंड यहाँ पे ऊपर टू सी बाई थ्री मिला और यहाँ पर जो मिला वो सी मिला, दोनों समांतर क्रम में है, तो C प्लस टू सी बाई थ्री मतलब अपना 3C और 2C 5C बाई थ्री, ये अपने को मिल जाएगा 5C बाई थ्री, ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो रेजिस्टेंस ऑफ फॉलोइंग कार्बन रेजिस्टेंस और इसका अपने को रेजिस्टेंस जो है बताना है। अपने को एक बात पता होते बी बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन, बी बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ठीक है। देखो ये सबसे पहले इसको डिसाइड कर दें, गोल्डन है तो गोल्डन का प्लस माइनस फाइव होता है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ग्रीन, ग्रीन का जो नंबर है अगर मैं बात करूँ, यहाँ जीरो से स्टार्ट करते हैं, वन टू थ्री, येलो पे फोर आ गया और ये फाइव आ गया, तो ग्रीन का फाइव पहले फर्स्ट जो है वो नंबर अपना फाइव आना चाहिए। दूसरा रेड, ये जो रेड का है ये रेड होता है अपना आर से, तो ये रेड का जो नंबर है वो टू हो गया, तो क्या आ गया, पहला फाइव आ गया फिर टू आ गया इनटू टेन की पावर। ये जो कलर है ब्लू कलर जो है वो टेन की पावर डिसाइड करेगा, तो ब्लू कलर जो है अपना कहाँ पे आ गया, ये सिक्स नंबर पे आ गया, तो टेन की पावर जो है सिक्स हो गया और प्लस माइनस गोल्डन की वजह से अपना 5% आ गया। अब देखो आंसर 52 के कम टर्म में नहीं है, 5.2 के टर्म में, तो ये हो जाएगा 5.2 इनटू 10 टू द पावर 7 प्लस माइनस 5%, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन वन करेक्ट हो गया। अब अपन आगे बढ़ जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है, अज्यूम डायोड्स टू बी आइडियल, जो अपने को डायोड दे रखे हैं वो सारे के सारे आइडियल हैं। अब अपने को चूज करना है कि कौन सा फॉरवर्ड बायस में होगा और कौन सा अपना रिवर्स बायस में होगा। देखो तो फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, जैसे मान लो इस टाइप का किसी डायोड का ऐसा शेप है इस टाइप का, तो फॉरवर्ड बायस में ये क्या होता है, ये वाला जो होता है ये हायर पे होता है और ये किस किस पे होता है, लोअर पे। अगर ये हायर पे हो जाए ये लोअर पे हो जाए तो फिर वो रिवर्स बायस में हो जाएगा। तो ये जीरो है और इधर ये माइनस टेन है, तो ये क्योंकि ग्राउंडेड है तो इसका मतलब जीरो है, तो इसका मतलब डी टू जो है जीरो माइनस मतलब नेगेटिव वोल्टेज है तो इससे ज्यादा ही होगा, तो ये डी टू जो है अपना वो किस पे हो जाएगा, फॉरवर्ड पे हो जाएगा। ये डी टू अपना जो है, ये डी टू वाला जो है ये अपना आ गया फॉरवर्ड में, और D1 पे यहाँ पे नेगेटिव है बट यहाँ पे नेगेटिव से मतलब ज्यादा है, मतलब जीरो से
तो ये वाला डी वन जो है अपना हो जाएगा रिवर्स में। तो जब भी अब दोनों में से एक जो है वो रिवर्स में है, इसका मतलब एक जो है दोनों में से वो रिवर्स में है, इसका मतलब यहां पर ये डी वन जो है इस करंट सर्किट में अलाउ नहीं करेगा। ऑप्शन पढ़ते हैं, डी वन इज फॉरवर्ड बायस एंड डी टू इज रिवर्स बायस। सो नहीं, डी वन तो अपना किस में है, रिवर्स में। डी टू इज इन फॉरवर्ड बायस, यस डी टू फॉरवर्ड बायस में, एंड डी वन रिवर्स में, यस डी वन, हेंस नो करंट, क्योंकि एक रिवर्स में हो गया तो करंट कोई फ्लो नहीं करेगी। सीधा ऑप्शन टू करेक्ट हो गया, बाकी ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब अपन देखते हैं सिंपल सा, इसको अपन बुलियन एक्सप्रेशन से करेंगे। ये है ए, ये अपना वही नोर गेट है, और ये नोर गेट अपना दे देगा ए बार। ये अपना ये भी नोर गेट है, बट यहाँ पे बी से क्या हो जाएगा, ये बी बार हो जाएगा। अब यहाँ पर ये भी नोर गेट है, तो इस नोर गेट में एडिशन का काम करता है ए बार प्लस बी बार, और इसके ऊपर भी क्या लग जाएगा बोलो बच्चा, बार। क्योंकि नोर गेट है, नोर गेट में ऊपर क्या लग सकता है, बार लग जाता है। क्योंकि अगर ये और गेट होता तो केवल और केवल क्या आता, ए बार प्लस बी बार आता, बट यहाँ पर क्या है, नोर है तो ऊपर भी है। और इसका अपने को पता है, इसका सिंपल सा अपना क्या होता है, थ्योरम होता है इसका, इसको क्या करते हैं, इस ये इक्वल होता है अपना, किसके इक्वल हो जाता है अपना, ये हो जाता है अपना ए डॉट बी के इक्वल। ये वाला जो चीज़ है ये सीधा अपना ए डॉट बी के इक्वल हो जाएगा। अगर मान लो फिर भी आप थोड़ा सा आप देखना चाहते हो सर क्या हो रहा है, तो आप ऐसा भी देख सकते हो एक बार, इस टेबल से भी आप कन्फ्यूजन निकाल सकते हो, ठीक है। अब मतलब अपना आपका जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो ए को, ये ए है ये बी है, ए को जीरो रख दो, बी को भी जीरो रख दो, तो यहाँ ए बार या बी बार, ये अपना तो ये बी ए बार बी बार क्या देगा, वन वन देगा, ठीक है। तो मान लो वन वन, जैसे ए को जीरो वन दे दिया, तो ये तो वन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख लो क्या देख लोगे, ए बार प्लस बी बार देख लो, और इसका अपोजिट जो है आपका रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे वन और वन जुड़ के तो वन ही होगा, बट क्या बार, तो इसका मतलब इसके ऊपर भी क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा, क्योंकि नोर गेट है तो वो क्या हो जाएगा, जीरो जीरो वन वन जीरो, वन जीरो को अगर ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, आपका क्या आएगा, वन आएगा, मतलब एडिशन, बट ऊपर बार लगा हुआ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फिर वापस से वन जीरो, इसके साथ ही सेम कहानी होगी, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, जीरो वन वन, तो यहाँ पर ये जीरो, ये जीरो, तो जीरो जीरो का जीरो होना चाहिए, बट ऊपर बार लगा हुआ था क्या होना चाहिए, वन। और ये जो अपना नोटिफिकेशन है वो एंड गेट का है। नेक्स्ट नेक्स्ट है, एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि अ मैग्नेटिक नेडल इज सस्पेंडेड इन अनदर प्लेन एट एन एंगल 30 डिग्री टू द मैग्नेटिक मेरिडियन, द डिप नीडल मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, द रियल डिप एंगल। तो रियल डिप एंगल अपने को जो है यहाँ पर कैलकुलेट करना है। एक फॉर्मूला होता है अपने को पता है, टेन डेल्टा डेस इज इक्वल टू टेन डेल डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। अब अपने को जो है ये डेल है, ये अपना रियल डिप है, रियल डिप एंगल है, ये रियल डिप एंगल है अपना, क्या रियल डिप एंगल जो है अपना कौन सा है, ये अपना डेल है। कॉस थीटा, अगर मैं थीटा की बात करूं तो ये मैग्नेटिक मेरिडियन से जो एंगल बना हुआ है थीटा, यही लेते हैं तो थीटा, तो यहाँ से ये रियल डीप एंगल अगर मेरे को पता करना है तो टेन डेल इज इक्वल टू टेन डेल डैश मल्टीप्लाइड बाई अपना हो गया कॉस थीटा। तो बच्चा यहाँ से अगर मैं बात करूँ टेन डेल डैश, डेल डैश जो यहाँ ये 45 डिग्री है, दट नीडल मेक्स एन एंगल ऑफ फॉर जो हॉरिजेंटल के साथ अपना एंगल बन रहा है। तो यहाँ से टेन डेल इज इक्वल टू अपना आ जाएगा बच्चा टेन डेल डैश, मतलब वन इंटू कॉस थीटा, कॉस 30 का वैल्यू होता है रूट थ्री बाई टू, तो डेल जो आया यहाँ से टेन इनवर्स रूट थ्री बाई टू, तो ये जो है अपना, ये अपना क्या मिल गया अपने को, रूट थ्री बाई टू एंगल ऑफ द रियल डिप एंगल मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, एक एन आइडियल गैस एट प्रेशर ऑफ वन एटमोसफियर एंड टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड इज कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली अंटिल इट्स प्रेशर बिकम 8 टाइम्स, इसका प्रेशर 8 टाइम्स द इनिशियल प्रेशर, देन द 8 टाइम्स द इनिशियल प्रेशर, देन द फाइनल टेम्परेचर इज। अब अपने को जो एक एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो पी वी गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये तो अपना होता है प्रेशर और किसके अंदर, वॉल्यूम के अंदर। अगर अपन बात करें टेम्परेचर और किसकी बारे में बात करें, अगर प्रेशर का रिलेशन, तो आपको यह होना चाहिए, ये होता है गामा माइनस वन, इस टाइप का इक्वल टू कॉन्स्टेंट। थोड़ा सा इसको मैं ढंग से लिखूं, क्योंकि प्रेशर मुझे पता है, तो मैं इसको लिख सकता हूं, कैसे लिख सकता हूं,
पी वन गामा इज इक्वल टू पी वन गामा माइनस वन इज इक्वल टू टी टू गामा डिवाइडेड बाई पी टू गामा माइनस वन। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ मुझे क्या चाहिए, पी टू पी वन सब पता है, तो यहाँ से अगर मुझे टी वन और टी टू की जो है बात करनी है, टी वन बाई टी टू की पावर गामा इज इक्वल टू मेरा को यहाँ से मिल जाएगा पी वन बाई पी टू की पावर कितना हो जाएगा, गामा माइनस वन। अब यहाँ पर इसको गामा से डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ पर ये हट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा डिवाइडेड बाई गामा। अब देखो टी वन, टी वन जो है अपना इनिशियल टेम्परेचर मान लो, और वो इनिशियल टेम्परेचर आपका 27 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 300 केल्विन, और टी टू को मैंने वैसे ही रख दिया इज इक्वल टू पी वन, पी वन अपना जो प्रेशर है इनिशियल वो 1 है और फाइनल जो इसका 8 टाइम्स हो जाता है। गामा माइनस वन डिवाइडेड बाई गामा को सॉल्व करते हैं, 3/2 माइनस वन डिवाइडेड बाई अपना हो जाएगा 3/2, तो यहाँ से 1/2 डिवाइडेड बाई 3/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और यहाँ से ये हो जाएगा अपना 1/3, तो 1/3 1/8 ये हो जाएगा 1/2, तो यहाँ से टी टू जो है 600 केल्विन आ गया, बट आंसर जो है वो डिग्री सेंटीग्रेड में गिवन है, तो 273 माइनस कर देंगे -273, तो ये जो है डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर आंसर अपना क्या हो जाएगा 327, ऑप्शन 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला अ चार्ज पार्टिकल इज विरल्ड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑन अ फ्रिक्शनल टेबल्स बाय अटैचिंग इट टू अ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन पॉइंट, इफ अ मैग्नेटिक नीडल मैग्नेटिक फील्ड इज स्विच्ड ऑन इन वर्टिकल डायरेक्शन द टेंशन इन द स्ट्रिंग। देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर एक मान लो ये हॉरिजॉन्टल टेबल है और यहाँ पर कोई एक एम मास का पार्टिकल है, वो घूम रहा है आराम से एक सर्कल में। तो देखो इसके घूमने की जो दो डायरेक्शन हो सकती है, या तो वेलोसिटी क्या हो जाए वी किस डायरेक्शन में हो जाए, इस डायरेक्शन में हो जाए, या वी किस डायरेक्शन में हो जाते हैं, इस डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड अपना बाहर की ओर है, वर्टिकल बोला ना इसने, ये बोला देखो वर्टिकल डायरेक्शन बाहर की ओर है। तो अगर मैं मैग्नेटिक फोर्स एफ बी एफ की बात करूंगा तो एफ इक्वल टू एफ बी इज इक्वल टू क्यू इन टू वी क्रॉस बी। जब ये घूम रहा है तो टेंशन लग रहा होगा टी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, क्योंकि जब भी घूम रहा है तो ये फोर्स अपना टेंशन इतना प्रोवाइड करना करवाना पड़ेगा सेंट्रिपिटल एक्सेलेरेशन इस फोर्स के द्वारा, तभी वो एक यूनिफॉर्म सर्कुलर के अंदर घूम पाएगा। अब देखो अगर मैं अपवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी लेता हूँ तो देखो क्यू वी क्रॉस बी, तो वी क्रॉस बी जब मैं करूँगा तो टेंशन क्या हो रहा है, टेंशन अपना इंक्रीज हो रहा है, टेंशन क्या हो रहा है इंक्रीज। अब मैं दूसरा केस लेता हूँ वी को, वी की डायरेक्शन नीचे है और वी की डायरेक्शन नीचे है और मैं जब मूव करता हूँ बी के डायरेक्शन में तो थंब जो है इनसाइड आ रहा है, तो एक बार तो टेंशन बढ़ गया जब अपन ने ऊपर की ओर डायरेक्शन लिया, इसमें क्या हो गया टी क्या हो गया इंक्रीज हो गया, बट इस केस के अंदर जो टेंशन है वो अपना डिक्रीज हो गया, तो मे इंक्रीज और मे डिक्रीज, ऑप्शन 4th विल बी मोर एप्रोप्रिएट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपने को क्या कि द वाइब्रेशन ऑफ 4 एयर कॉलम्स आर रिप्रेजेंटेड इन द फिगर द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसीज, अपने को फ्रीक्वेंसीज का क्या पता करना है रेशियो। देखो सबसे पहले इसके अंदर अगर अपन देखें तो ये जो लेंथ है ये लेंथ एल है और ये जो है ये लैम्बडा बाई 4 है, तो मैं लिख सकता हूँ लैम्बडा पी बाई 4 इज इक्वल टू एल, तो यहाँ से मुझे लैम्बडा पी जो मिला वो मुझे मिल गया 4L, ये मेरा हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट मैं बात करूं तो ये भी मेरा लैम्बडा बाई 4 है और ये भी मेरा लैम्बडा बाई 4 है, तो ये लैम्बडा बाई लैम्बडा क्यू बाई 2 इज इक्वल टू एल, लेंथ सब में सेम है तो ये लेंथ भी कितना होगा एल ही होगा, तो यहाँ से लैम्बडा क्यू इज इक्वल टू वन सेकेंड ये अपना एल हो जाएगा, लैम्बडा बाई 4 लैम्बडा बाई 2 है ये, तो ये इक्वल टू अपना हो जाएगा 2L, लैम्बडा क्यू जो है वो अपना 2L हो गया। अगर मैं बात करता हूँ लैम्बडा आर की तो लैम्बडा आर ये कितना हो जाएगा लैम्बडा बाई 4 लैम्बडा बाई 4 लैम्बडा बाई 4 ये लैम्बडा आर जो है वो एल के इक्वल आ गया, और लैम्बडा अगर एस की बात करूँ तो वो कितना हो जाएगा लैम्बडा बाई 4 लैम्बडा 3 लैम्बडा बाई 4 हो गया इज इक्वल टू एल, तो लैम्बडा एस जो है वो अपना 4L बाई ये अपना 3 हो गया, ये लैम्बडा एस हो गया। अब अपने को पता है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड तो सेम रहता है, एफ इज इक्वल टू वी एस बाई वेलोसिटी ऑफ साउंड डिवाइडेड बाई लैम्बडा,
तो मैं सबसे पहले यहां लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं, एफ पी मतलब वही एन पी, और फिर क्या आ जाएगा एन क्यू, और फिर क्या आ जाएगा एन आर, और फिर मेरा क्या आ जाएगा एन एस। लिखो सबको। अगर मैं एन पी की वैल्यू लिखूं तो एन पी, एन पी जो है मेरा वी एस बाई लैम्बडा पी, ये मेरा 4L हो गया रेशियो, वी एस बाई ये कितना हो जाएगा मेरा वेलोसिटी, ये हो जाएगा 2L, फिर क्या आ जाएगा वी एस बाई ये मेरा क्या हो जाएगा L, और फिर मेरा ये जो है वी एस बाई ये मेरा क्या हो जाएगा 4L/3, ये मेरा हो गया। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, एल 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 कैंसिल हो गया, 12 अपना एल सी एम आ जाएगा यहाँ पे, 12 अगर एल सी एम आता है तो ये 3 times गया 3:2, ये गया अपना 6 times 6, और यहाँ पर ये गया अपना 1 time, तो ये अपना हो गया 12, और इसका गया अपना 3 times और ये हो गया 9। अब 12 को तो हटाओ सबके लिए वही है, तो 3:6:12:9, 3 से डिवाइड कर दो तो 1:2:2:4:3, ऑप्शन जो है सेकंड करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है वोल्टेज एंड करंट इन एन एसी सर्किट आर गिवन बाय, ये वोल्टेज और करंट को दिया गया है। तो एक तो क्या है कि अपन, अपने को पता करना है कि कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है, यही पूछा गया है। तो ये वोल्टेज है और ये अपना क्या है करंट है। तो अपन क्या करेंगे, ये मान लो अपन ने एक एक्सिस ड्रॉ कर दिया, तो वोल्टेज क्या है माइनर पाई बाई सिक्स, मतलब ये अगर साइन को मैं बेस ले लेता हूँ तो ये तो अपना माइनस पाई बाई सिक्स, मतलब वही नीचे हो गया पाई बाई सिक्स, और ये अपना वोल्टेज हो गया, और ये करंट जो है पाई बाई सिक्स आगे है, यहाँ पे पाई बाई सिक्स है ना, ये अपना आई हो गया। तो दोनों के बीच में एंगल जो है पाई बाई सिक्स प्लस पाई बाई सिक्स पाई बाई थ्री हो गया, और लीड कौन कर रहा है, यहाँ पर जो लीड कर रहा है वो कौन लीड कर रहा है करंट, तो करंट्स लीड्स द वोल्टेज बाय 60 डिग्री, ऑप्शन 3 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो द टाइम डिपेंड्स ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी पी इज गिवन बाय पी इक्वल टू पी नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा टी स्क्वायर वेयर अल्फा इज अ कांस्टेंट एंड टी इज टाइम द कांस्टेंट अल्फा इज, यहां पर इसकी डायमेंशन चाहिए। तो कोई भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होता है जैसे e की पावर माइनस ये अल्फा टी स्क्वायर, इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है इसकी डायमेंशन क्या होती है 1, तो अल्फा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से अल्फा का जो डायमेंशन आया वो टी माइनस 2, तो टी माइनस 2 ये इसका हो जाएगा, टी माइनस 2 कहाँ पे ऑप्शन सेकंड में करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन फिगर शोज द ग्राफ ऑफ अ एंगल ऑफ डेविएशन डेल वर्सेज एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई फॉर अ लाइट रे, ठीक है। तो जब ये दोनों सेम डेविएशन है तो डेल का क्या फॉर्मूला होता है आई प्लस ई माइनस ए, जब सेम डेविएशन होता है तो ये तो अपना आई बन जाता है और ये अपना क्या होता है ई। अब अपने का डेल कितना है 30 डिग्री लिख दिया मैंने, आई कितना है 30 डिग्री, और ई कितना है 60 डिग्री, और माइनस का ए एक पता करना है, तो ए इज इक्वल टू 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री 90 डिग्री माइनस 30, तो ये 60 डिग्री, ये एंगल ऑफ अपना क्या आ गया प्रिज्म, ऑप्शन सेकंड करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में अ पेंडुलम क्लॉक फिटेड विद अ स्मॉल हैवी बॉब दैट इज कनेक्टेड विद मेटल रॉड इज 5 seconds फॉर ईच डे एट टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड, 5 seconds फास्ट, यहाँ पे फास्ट हो जा रही है अपनी एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड 10 seconds स्लो एट टेम्परेचर 30 डिग्री, स्लो हो गई 30 डिग्री सेंटीग्रेड, द टेम्परेचर एट विच डिजाइन टू गिव करेक्ट टाइम। देखो एक जगह एक टी इक्वल टू 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, वहां पर ये क्या हो रही है 5 seconds फास्ट हो रही है फास्ट, और एक टी इक्वल टू अपना जो है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड है और वहां पर जो है ये जो है 10 seconds स्लो हो रही है, मतलब जो रियल टेम्परेचर है डिजाइन टेम्परेचर है वो इन दोनों के बीच में होगा, वो इन दोनों के क्या होगा बीच में होगा, सिंपल सी बात है। तो अब हम क्या लिखेंगे फॉर्मूला, फॉर्मूला लिखेंगे डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल टू हाफ अल्फा डेल्टा थीटा, मतलब टेम्परेचर, तो ये हो जाएगा टी माइनस मतलब वही टी वन माइनस जो भी है टी रियल माइनस टी टी डैश कुछ भी लिख दो टी वन टी टू कुछ भी। तो इसके लिए पहला क्या लिख देंगे डेल्टा टी, मतलब कितना टाइम का चेंज हो गया 5,
इसका टाइम पीरियड ऐसे लिख देते हैं हाफ अल्फा, और ये जो टी है अपना, इसको टी ले लिया और इससे ज्यादा होगा तो टी माइनस 15। दूसरा जो अपना इक्वेशन आया वो इक्वेशन अपना क्या आएगा देखते हैं बच्चा, वो अपना आ जाएगा इसके अंदर टेन आ जाएगा डिवाइडेड बाई टी हो गया हाफ इंटू अल्फा इंटू, अब यहाँ पर क्या है कि 30 ज्यादा है तो अपन क्या कर देंगे 30 माइनस टी, ये 30 माइनस टी कर दिया, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, इक्वेशन टू डिवाइडेड बाई इक्वेशन वन, तो यहाँ आ जाएगा 10 बाई 5 इज इक्वल टू हाफ अल्फा, सब कैंसिल हो गया, 30 माइनस टी डिवाइडेड बाई अपना हो जाएगा टी माइनस 15, ये अपना 2 टाइम्स गया, ये हो जाएगा 2t माइनस 30 इज इक्वल टू 30 माइनस टी, यहाँ से 3t इज इक्वल टू अपना 60 हो गया, और t जो डिजाइन टेम्परेचर है घड़ी का वो अपने को मिल गया 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ये ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपने को जो है एंगुलर मोमेंटम अ डिस्क ऑफ मास m एंड रोलिंग विद एन एंगुलर स्पीड ओमेगा ऑन सो ऑन, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम चाहिए, तो ये किसी न किसी वी वेलोसिटी से चल रही होगी और प्योर रोलिंग कर रही है पक्का, तो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा आर ओमेगा, तो यहाँ पर दो चीजों की वजह से एंगुलर मोमेंटम आएगा, एक तो रोटेशन की वजह से और एक लीनियर वेलोसिटी की वजह से। अब अपने ओरिजिन के अबाउट बन रहे, तो रोटेशन की वजह से एंगुलर मोमेंटम अगर अपन लिखें, एंगुलर मोमेंटम अगर अपन लिखते हैं तो क्या आ जाएगा, रोटेशन की वजह से आई ओमेगा आ जाएगा और आगे चलने की वजह से क्या आ जाता है अपन एम वी आर लिख देते हैं, तो आई ओमेगा इस ये क्या है, ये आपका क्या है डिस्क है, डिस्क का एंगुलर मोमेंट आई होता है एम आर स्क्वायर बाई टू ओमेगा प्लस एम, अपन वी को क्या लिख सकते हैं, वी को लिख सकते हैं ओमेगा आर, तो ये ओमेगा आर स्क्वायर, तो ये जो अपना हो जाएगा 3/2 एम आर स्क्वायर ओमेगा, 3/2 ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें कि स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट द टाइम टेकन बाई ये बॉडी स्लाइडिंग डाउन ऑन अ रफ इंक्लाइन प्लेन एट 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल इज ट्वाइस द टाइम टेकन टू ट्रेवल ऑन ए स्मूथ प्लेन ऑफ सेम इंक्लाइन प्लेन एट द सेम डिस्टेंस देन द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इसके अंदर दो केस दे रखे हैं, एक में तो आपका जो है स्मूथ सरफेस है, ये एम मास है, ये थीटा है, ये एस डिस्टेंस मान लेते हैं अपन, तो इसके अंदर जो टाइम है वो टी लग रहा है इसको नीचे आने में, और केस टू जो है जिसके अंदर जो सरफेस है वो अपना सरफेस जो है वो ये मास तो अपना एम ही हुआ और ये मास तो अपना एम ही हुआ और ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस अभी भी अपनी ऐसी है, और यहाँ पे जो इस सरफेस के नीचे आने में जो टाइम लगा वो टूटी लगा, और ये सरफेस जो है वो रफ सरफेस है, अपने को काइनेटिक फ्रिक्शन पता करना है, तो पहले वाले के अंदर क्या कर लेंगे s इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर हाफ इंटू ए, ए क्या हो जाएगा कोई फ्रिक्शन तो पीछे लग नहीं रहा तो क्या लिख देंगे जी साइन थीटा इंटू अपन सिंपल सा लिख देंगे टी स्क्वायर, दूसरे वाले में भी डिस्टेंस तो वही सेम ट्रेवल हो रही है बट आगे जो लग रहा है वो जी साइन थीटा एम जी साइन थीटा मतलब जी साइन थीटा बट फ्रिक्शन जो है पीछे लगाएगा तो जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन की वजह से म्यू जी कॉस थीटा पीछे की और तो माइनस के साथ आ गया और टाइम जो है वो टू टी स्क्वायर लग गया। अब देखो दोनों को जब अपन इक्वल कर देंगे क्योंकि डिस्टेंस तो दोनों में सेम है तो जी कैंसिल हो जाएगा हाफ कैंसिल हो जाएगा टी स्क्वायर, तो इधर जो बचेगा वो बच जाएगा साइन थीटा और इक्वल टू इधर जो बचेगा वो बच जाएगा साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा और ये जो मल्टीप्लाइड होगा वो 4 से हो जाएगा, साइन थीटा 45 डिग्री तो 45 डिग्री है तो 1/√2 ये तो कैंसिल हो गया तो 1 × 1/4 1 माइनस म्यू, तो यहाँ से जो है अपना तो ये 1/4 इज इक्वल टू 1 माइनस म्यू, यहाँ से म्यू जो है 1 − 1/4 मतलब 3/4 मतलब 0.75। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है कि एक सर्किट दे रखा है और इस पूरे सर्किट द फॉर द नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंस शोन इन द फिगर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी इज 18 ओम द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस आर, ये जो अपना अननोन रेजिस्टेंस आर है इसकी वैल्यू को अपने को बताना है, तो देखिए ये बेसिकली क्या है यहां पर ए और बी के बीच में टोटल जो रेजिस्टेंस है वो अपना 18 ओम का है, कितने ओम का है 18 ओम का, तो ये वाला अगर मैं हटा दूं और इस पूरे को मैं आर बोल देता हूं पूरे आर डैश बोल देता हूं तो 10 माइनस हो जाएगा 18 में सो तो पूरा जो है ये जो बाकी बचा हुआ सर्किट है
वो आर डैश जो आएगा उसका वो अपना कितना आ जाएगा ए टू, मतलब ये वाला जो सर्किट है, ये वाला जो सर्किट है बचा हुआ, इस वाले सर्किट का जो नेट रेजिस्टेंस है वो अपना 8 ओम आ गया। ये 10 और ये 10 किस में पैरेलल में, तो ये 5 हो जाएगा और ये 15 है, 5 और 10 हो जाएगा 15, और ये पूरा आपका 15 आ गया, ये पूरा और ये 10, तो इन दोनों का मिला के कितना हो जाएगा। जैसे अपन देखते हैं रेजिस्टेंस को, ऊपर जो है वो अपना आर लगा हुआ है, ऊपर अपना आर लगा हुआ है, और यहां पर ये 5 और ये 10 15, और ये 15 और 10 किस में हो गए पैरेलल में, तो इनका जो है R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 तो 25, ये अपना 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये अपना 210, तो मतलब इसका जो है वो अपना जो अपन ने 15 ये किया 6, और ये कितना हो जाएगा 10, तो ये जो है 16 ओम हो गया, और इनका जो इक्वलेंट है वो 8 ओम के कॉल आना चाहिए। तो 16 इंटू आर इज इक्वल टू 16 प्लस आर इज इक्वल टू 8, ये इसमें इसका गया 2 टाइम्स, तो 2 आर इज इक्वल टू 16 प्लस आर, तो यहाँ से आर जो है वो अपना 16 ओम आ गया। ऑप्शन 16 ओम कौन सा करेक्ट है, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज कैन नॉट बी इन द सेम डायरेक्शन फॉर अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अपने को पता है एक्सीलेशन ए इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, सॉरी ए इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, मतलब यहां पर क्या हो रहा है, माइनस आ रहा है, मतलब एक्स और ए हमेशा क्या होंगे, अपोजिट में। डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी एंड एक्सीलेशन नहीं, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सीलेशन दोनों क्या होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, तो ऑप्शन थर्ड जो है वो अपना करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूटन कूलिंग लॉ का है, वो बोल रहा है कि अ बॉडी कूल्स इन 7 मिनट फ्रॉम 60 डिग्री टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर आफ्टर द नेक्स्ट 7 मिनट पता अपने को करना है, इसके बाद नेक्स्ट 7, ये सराउंडिंग का टाइम। तो जो न्यूटन का फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा टी बाई टाइम इज इक्वल टू के इंटू टी वन प्लस टी टू डिवाइडेड बाई टू माइनस टी नॉट, और ये जो टी नॉट जो टेम्परेचर होता है वो किसका होता है, सराउंडिंग का, डेल्टा टी 60 माइनस 40 20 हो गया, टाइम लग गया 7, पहले के निकाल देते हैं, T1 प्लस T2 60 प्लस 40 कितना हो जाएगा 100 बाई 2 कितना हो गया 50 माइनस टी नॉट सराउंडिंग का कितना है 10, ये हो गया 40 और 40, तो यहाँ से K जो है अपने को वो 1/14 मिल गया, ये अपने को K मिल गया यहाँ से। अब पता करते हैं दूसरे में कि अब देखो 40 से तो कम होगा, तो अपन क्या लिखेंगे, डेल्टा टी मतलब 40 माइनस किसी टेम्परेचर टी तक चला गया डिवाइडेड बाई टाइम, वही अपना 7 ही लगेगा, इक्वल टू अपन क्या लिख देंगे T1 प्लस T2, मतलब 40 प्लस टी और K क्या है 1/40 डिवाइडेड बाई अपना क्या आ जाएगा 2 माइनस, ये तो अपना 10 ही रहेगा, ये जब डिवाइड किया तो ये 2 टाइम्स गया, 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 80 माइनस बच्चा हो गया 2T इज इक्वल टू 40 प्लस टी और 2 एलसीएम ले लिया तो ये माइनस का 20 और ये 2, यहाँ से फिर लिया 160 माइनस 2t इज इक्वल टू ये आ जाएगा 20 प्लस टी, अब क्या हो जाएगा 2t उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा अपना 3t हो जाएगा, और ये जो है ये 20 जब इधर आ जाएगा तो अपना हो जाएगा 140, कितना हो जाएगा 140, तो यहाँ से 3t इज यहाँ से ये 2t उधर जाएगा तो ये आपका सॉरी 4 हो जाएगा, 4 तो यहाँ से 4 उधर जाएगा तो ये आपका 5t हो जाएगा इक्वल टू ये 120 इधर आ जाएगा तो ये आपका 140 हो जाएगा, तो यहाँ से t इक्वल टू आपका जो है 28 डिग्री सेंटीग्रेड, जब अपन इसको डिवाइड करें क्योंकि 5 फिर 8 बचेगा 28, ऑप्शन 1 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ऑप्टिकल फाइबर यूज द फिनोमिना ऑफ, ऑप्टिकल फाइबर में अपने को पता है रेज टकराती है और चली जाती है, सिग्नल आप एक जगह से भेजते हो और सिग्नल कहाँ तक चला जाता है, दूसरी जगह तक इस ऑप्टिकल, तो ये क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, तो ऑप्शन 2 जो है अपना करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड 500 वॉट एंड 100 वोल्ट इज यूज्ड इन सर्किट हैविंग अ 200 वोल्ट सप्लाई, द रेजिस्टेंस आर मस्ट बी पुट इन सीरीज विद द बल्ब्स सो दैट द बल्ब डिलीवर 500 वॉट विल बी।
देखो अब क्या है कि एक बल्ब है, ये बल्ब आपका सर्किट में कनेक्टेड है और एक रजिस्टर कनेक्टेड है आर, और इनके साथ एक वोल्टेज एक्सटर्नल कनेक्टेड है, वो कितना है 200 वोल्ट। अब देखो बल्ब जो है, ये बल्ब जो है, ये बल्ब अपना जो मैक्सिमम पावर देता है, क्या देता है, मतलब ये 500 वाट की जो पावर देता है, तब उसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होता है 100 वोल्ट। मतलब और इस केस के अंदर, जो इस केस के अंदर भी इसके ये कितना कितने का पावर दे रहा है, 500 वाट का पावर दे रहा है। इसका मतलब इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितना हो गया, 100 वोल्ट हो गया। ये टोटल कितना है 200 वोल्ट, तो इसके अक्रॉस भी कितना हो जाएगा 100 वोल्ट। अगर दोनों के अक्रॉस वोल्टेज सेम है, इसका मतलब अगर बल्ब का रेजिस्टेंस आर बी है, तो आर बी और आर क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब किसका रेजिस्टेंस निकाल दो, बल्ब का रेजिस्टेंस, और बल्ब का रेजिस्टेंस आर बी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी। तो यहाँ से वी स्क्वायर 100 × 100 डिवाइडेड बाई 500, ये अपना हो गया 5, ये अपना हो गया 20, 20 ओम, 20 ओम आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है कि अ पार्टिकल मूव्स इन द एक्स वाई प्लेन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ फोर्स सच दैट इट्स लीनियर मोमेंटम इज पी टी इज इक्वल टू ए आई कैप कॉस के टी माइनस जे साइन के टी, वेयर ए एंड के आर कॉन्स्टेंट द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द मोमेंटम। अब अपने को फोर्स और मोमेंटम पता करना है, मोमेंटम के बीच एंगल पता करना है। एफ इक्वल टू होता है आपका डी पी बाई डी टी, सिंपल ये होता है फोर्स। तो पी तो अपने को गिवन नहीं, एफ निकाल देते हैं, तो इसको क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। ए तो कांस्टेंट है तो वो तो बाहर ही रहेगा, आई कैप को आई कैप लिख देते हैं। कॉस का जो डिफरेंशिएशन है वो अपने को पता है माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन, और के टी का जो डिफरेंशिएशन है वो के हो जाएगा, माइनस साइन, और ये क्या हो जाएगा, कॉस का हो जाएगा साइन के टी। फिर क्या आएगा, माइनस है माइनस जे कैप, और साइन का कॉस हो जाएगा, और के टी का ये के हो जाएगा, और अंदर ये रहेगा अपना के टी, ये अपना ब्रैकेट क्लोज हो गया, ये फोर्स आ गया। अब दोनों के बीच में एंगल पता करना है, तो अपन क्या करते हैं, एफ डॉट मान लो पी कर लेते हैं, है ना, डिवाइड कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एफ डॉट पी डिवाइडेड बाई मॉड एफ मॉड पी। तो पहले एफ डॉट पी करते हैं, देखते हैं। तो एफ डॉट पी अपन जब करेंगे तो ये देखो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो ये माइनस के साथ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट में ये आ जाएगा अपना के ए स्क्वायर साइन के टी कॉस के टी। फिर क्या हो जाएगा, ये दोनों जो है ये दोनों भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, डॉट प्रोडक्ट का दोनों का, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस ए स्क्वायर के, ये माइनस के साथ आएगा क्योंकि ये माइनस है और वो प्लस है इसलिए, और साइन के टी कॉस के टी। देखिए ये माइनस का है और ये प्लस का है, दोनों सेम है, इसका मतलब इनका डॉट, ये जो इनका जो आया एफ डॉट पी क्या आ गया, बोलो बच्चा, एफ डॉट पी 0 आ गया। अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब अपने को पता है वो दोनों कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा बच्चा, 90 डिग्री। नेक्स्ट 44, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स रिप्रेजेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इग्नोर एयर रेजिस्टेंस। एक बॉल को आपने जो है ऊपर फेंक दिया, ये ऊपर गया तो क्या होगा, वो वेलोसिटी पता करना है, तो देखो धीरे धीरे वेलोसिटी क्या होगा, कम होगा, एक मैक्सिमम पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। फिर बॉल क्या आने लगेगी, नीचे, मतलब इस वाले में तो वेलोसिटी पॉजिटिव है जब ऊपर जा रहा था, और इस वाले में वेलोसिटी क्या हो जाएगा, नेगेटिव, जब ये कहाँ आ रहा होगा, नीचे। तो पहले तो वेलोसिटी, बट वेलोसिटी क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है, एक पॉइंट पे क्या हो रहा है, 0। इस वाले में वेलोसिटी नेगेटिव हो ही नहीं रहा, इस वाले में भी वेलोसिटी नेगेटिव हो ही नहीं रहा, इस वाले में वेलोसिटी नेगेटिव हो ही नहीं रहा, इसके अंदर देखो धीरे धीरे कम हो रहा है, एक पॉइंट पे 0 हो रहा है, फिर नेगेटिव होने लग गया, ऑप्शन 3 करेक्ट हो गया। सिंपल सा बात है, अपने को देखना है जब ये ऊपर जा रहा होगा तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगा, और जब नीचे आएगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ बॉडी ऑफ मास 2 kg इज मूविंग ऑन द ग्राउंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर सम टाइम, द कोफिशियंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन द बॉडी एंड द ग्राउंड इज द रिटार्डेशन इन द बॉडी। तो एक्सीलेशन जो रिटार्डेशन होता है वो माइनस म्यू जी, मतलब यही इसी दिख रहा है, माइनस म्यू इंटू जी। म्यू कितना है, 0.2, जी अपन अगर गिवन नहीं है तो क्या लेंगे,
9.8, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिटार्डेशन जो है म्यू जी जो आएगा वो अपना कितना आ जाएगा, 0.2 इंटू 9.8, मतलब आपका ये हो जाएगा 1.96, ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ बॉल फ्रॉम अ हाइट एच ऑन टू अ फ्लोर एंड रीबाउंड टू अ हाइट एच बाई फोर, द कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बिटवीन द बॉल एंड द फ्लोर इज, क्या हो रहा है, एक बॉल है उसको अपन ड्रॉप कर रहे हैं यहां से, और ये जो ड्रॉप कर रहे हैं ये जो ग्राउंड से हाइट है वो कितनी हो गई h। अब ये जब ड्रॉप करेगा टकराएगा, और टकराने के बाद क्या होगा, किसी ना किसी मान लो ये v वेलोसिटी से टकराया और ये v डैश वेलोसिटी के साथ रिटर्न किया और ये किसी एक हाइट तक गया और वो जो हाइट है वो अपना h हो गया। अब इन्होंने पूछा है द कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, मतलब e पूछा है, तो अपना e क्या होता है, e इक्वल टू होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ये ग्राउंड जो है ये तो हमेशा रेस्ट पे है, ग्राउंड क्या है रेस्ट पे है, तो ये क्या हो जाएगा v डैश माइनस जीरो डिवाइड, जब ऊपर से आ रहा था तब भी अप्रोच तब भी जीरो, तो v माइनस जीरो, तो यहाँ से अपने का e जो है वो v डैश बाई v आ गया। अब जो वेलोसिटी होती है v इक्वल टू अपना हमेशा क्या लिखते हैं, रूट टू जी एस लिखते हैं, तो e इक्वल टू v डैश के केस में हाइट कितना है, जब h बाई फोर है सॉरी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर रूट ओवर 2g h बाई फोर डिवाइडेड बाई यहाँ पर बच्चा हो जाएगा रूट ओवर 2gh, ये अपना हो जाएगा। तो यहाँ से अगर अपन e देखते हैं कि e क्या आ जाएगा, तो 2gh कैंसिल हो जाएगा, रूट ओवर ये हो जाएगा 1/4, और रूट ओवर 1/4 अपना क्या होता है 1/2, रूट ओवर 1/4 क्या होता है 1/2, ये लो ऑप्शन सेकंड करेक्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट अगर देखें कि इन एन एडियाबेटिक प्रोसेस द प्रेशर पी एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी ऑफ अ मोनो एटॉमिक गैस आर रिलेटेड बाई, ऐसे दे रखा है अपने को सी का वैल्यू बताना है। अभी अपन ने देखा था कि टी का पावर गामा डिवाइडेड बाई पी का पावर गामा माइनस वन इक्वल टू क्या होता है अपना कॉन्स्टेंट होता है, इसको के मान लेते हैं कॉन्स्टेंट के, तो अपने को सी की वैल्यू पता करनी है कि सी कितना होगा, तो इसको क्या लिख देंगे सी, इसको टी की टर्म्स में सब कुछ लेके जाना है, टी गामा और यहाँ पर टी गामा और के इंटू यहाँ पर हो जाएगा अपना पी इंटू गामा माइनस वन, तो पी इज प्रोपोर्शनल टू यहाँ से आ गया टी की पावर गामा डिवाइडेड बाई गामा माइनस वन, मोनो एटोमिक गैस है, एक परमाणिक गैस है, तो उसका जो गामा होता है वो क्या होता है कितना होता है 5/3, तो यहाँ पर अपन पुट करेंगे तो सी ये जो है गामा अपॉन गामा माइनस वन किसके इक्वल आ गया सी के, 5/3 डिवाइडेड बाई 5/3 माइनस वन, तो ये हो जाएगा अपना 5/3 डिवाइडेड बाई 3 मतलब 2/3, ये 3 से 3 कैंसिल और ये हो जाएगा अपना 5/2, तो ये 5/2 अपना जो है सी जो है ये आंसर फोर्थ जो है ये आंसर हो गया। नेक्स्ट एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि कौन सा गैस, अब देखो ये जो है ये ग्रीन गैस जो है, देखे अ रे ऑफ वाइट लाइट इज इंसिडेंट एट द इंटरफेरेंस ऑफ ग्लास एंड एयर एज शोन, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज दैट द ग्रीन लाइट जस्ट सफर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, द रे ऑफ लाइट इमर्जिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर कंटेनर। अब देखो ग्रीन जो है वो टी आई आर शो कर रहा है, मतलब ग्रीन के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एन जी साइन थीटा इज इक्वल टू वन, इस थीटा पर क्या हो गया जो ग्रीन का जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है एन जी साइन थीटा इज इक्वल टू वन साइन 90, मतलब बाहर को एयर को वन ले लेता हूँ तो वन हो गया। अब देखो अपने जो कलर होते हैं जनरली अपन क्या लिखते हैं विबग्योर लिखते हैं, यही तो कलर होते हैं। अब देखो जब अपन इस डायरेक्शन में चलते हैं तो जो लैम्बडा तो इंक्रीज होता है बट जो म्यू होता है जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एन है वो क्या होगा डिक्रीज, तो मैं लिख सकता हूँ एन वी इज ग्रेटर देन एन जी इज ग्रेटर देन एन आर। अब देखो अगर कोई रे बाहर वाले मीडियम में चली जाए इसका मतलब क्या होना चाहिए कि जो आपका जैसे कोई भी चीज़ है जैसे मान लो एन साइन थीटा तो सब में सेम है, तो एन साइन थीटा अगर बाहर वाले मीडियम में जाना है तो इसका मतलब एन जी साइन थीटा से वो क्या हो जाए एन जी साइन थीटा से क्या हो जाए छोटा हो जाए, एन जी साइन कभी बाहर वाले मीडियम में जाना है तो एन जी साइन थीटा से क्या हो जाए छोटा, और अगर अंदर जाना है
तो मतलब वो एन साइन थीटा, वो एन जी साइन थीटा से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, तो ये किसके लिए कंडीशन, क्योंकि रे ऑफ लाइट इमर्जिंग वाला बताना है, मतलब आउट बाहर कौन आ रहा है ना, इमर्ज कौन कर रहा है बाहर, तो यहाँ पे साइन थीटा तो कैंसिल हो गया, एन इज ग्रेटर देन एन जी, एन इज लेस देन एन जी, मतलब जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ग्रीन कलर के रिफ्रेक्टिव इंडेक्स से कम है वो कहाँ आ जाएंगे, बाहर, तो क्या येलो ये वाले बाहर आ जाएंगे, इनका कम है ना, तो येलो ऑरेंज रेड मतलब पीली नारंगी लाल, ऑप्शन वन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, अ प्रोटॉन अ न्यूट्रॉन आयन एंड एन अल्फा पार्टिकल हैविंग द सेम काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी सेम है, एंड मूविंग इन सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री इन अ कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, इफ आर पी आर डी एंड आर अल्फा डिनोट रेस्पेक्टली द रेडी ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ दिस पार्ट, ट्रेजेक्ट्री रेडियस के अंदर अपने इनका रिलेशन पता करना है। आर इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी होता है, अपन ने बताया, और एम क्या हो जाता है, रूट ओवर टू के एम, पी जो है रूट ओवर टू एम के ई बाई क्यू बी ले लूंगा। अब सबसे पहले मैं बात करता हूँ किसकी, किसकी बात करता हूँ, प्रोटोन की, तो प्रोटोन का जो चार्ज है वो अपन ई ले लेते हैं, और इसका जो मास है क्यू तो है वो ई आ गया, और मास जो एम है वो एम ले लेता हूँ। फिर अपन बात करते हैं किसकी, फिर अपन बात करते हैं ड्यूट्रॉन की, ड्यूट्रॉन की अपन बात करते हैं, ड्यूट्रॉन का चार्ज तो प्रोटॉन के चार्ज ई के बराबर, मास क्या हो जाएगा ट्वाइस टू एम हो जाएगा। फिर अपन किसकी बात करते हैं, प्रोटॉन ड्यूट्रॉन और फिर अपना अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा पार्टिकल का जो अपना चार्ज है वो प्लस का टू ई हो जाता है, और मास जो है वो फोर एम हो जाता है। अब अपन रखते हैं सबको, आर पी, आर पी रेशियो आर क्यू आर डी, आर डी और रेशियो अपना आर अल्फा, तो ये आ जाएगा अपना 2m, यहाँ से सब में 2b और काइनेटिक एनर्जी में ये तो कैंसिल हो गया, तो बेसिकली रूट m, प्रोटॉन के लिए रूट m बाई क्या लिख दूंगा e, और इसके लिए क्या लिख दूंगा, न्यूट्रॉन के लिए रूट 2m बाई, क्योंकि इसका मास 2m है e, और अल्फा पार्टिकल के लिए लिख दूंगा 4m डिवाइडेड बाई 2e। तो यहाँ से देखो ये दोनों टू, फोर से टू बाहर आ जाएगा, फोर जब अंडर तो ये टू, ये तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो यहाँ से क्या बोल देंगे कि आर पी इज इक्वल टू आर अल्फा, आर पी इज इक्वल टू आर अल्फा, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें, इसमें नहीं है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। देखो यहाँ पर रूट टू है, तो ये आर जो आपका डी है वो सबसे क्या हो जाएगा, बड़ा, आर डी सबसे बड़ा, तो ऑप्शन फोर्थ आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन, कि अपने पास वेव्स है, एक वेव की इक्वेशन ये रही अपने पास, और ये दूसरी वेव की इक्वेशन हुई, अब इनकी एम्पलीट्यूड का जो है रेशियो पता करना है, तो इसका एम्पलीट्यूड जो A1 है वो तो अपना 10 हो गया, बट इसका एम्पलीट्यूड क्या 5 लेंगे, नहीं, कभी नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि देखो यह साइन और कॉस के फॉर्मेट में है, तो साइन का जो है, साइन का जो एम्पलीट्यूड है वो तो 5 है, और कॉस मान लो 90 डिग्री पे है, तो इसका क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको अंदर भेजता हूँ 5 को, तो इसका कितना हो गया 5√3, दोनों के बीच में जो एंगल है वो एंगल अपना 90 डिग्री है, एंगल कितना डिग्री है 90 डिग्री, इनका अगर रिजल्टेंट की बात करूँगा, जो इनका एम्पलीट्यूड आएगा वो इनका रिजल्टेंट आ जाएगा, तो A2 जो आएगा वो अपना आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 5√3 का स्क्वायर, ये आ गया, तो A2 क्या आ गया अपना 25 + 75, ये अपना हो जाएगा 100, 100 का जो अंडर रूट है वो अपना हो जाएगा 10, तो देखो A2 जो आया वो भी अपना क्या आ गया 10 आ गया, तो 10:10, 1:1। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।